वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। दास गुरमुख सिंह अमित शाह श्रोमणी अखंड पाठी वेलफेयर सोसायटी श्री दरबार साहब श्री अमृतसर साहिब रजिस्टर भारत का मुख्य सेवादार जी, साड़ी यही मंग आ जिहड़े अखंड पाठी सिंह आ उन्हां वास्ते असीं जिहड़ी अपनी मंग आ चैनल थ्रू अहीं संगत सामने रख रहे हैं कि जिहड़ा अखंड पाठ सिंघां दा गुजारा वह बहुत मुश्किल है। जिहड़े श्रोमणी कमेटी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी अधीन ड्यूटियां कर रहे हैं, जे असी गल करिए करोना वायरस की बीमारी के चलद 23/3/2020 तो जिहड़े अखंड पाठी सिंह समुचे अपने घरां विच बैठे आ, श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी के आदेशों अनुसार जिहड़े अखंड पाठ साहिबां दीआं तरीकां अगे करके अखंड पाठ साहिब की समाप्ति कर दित्ती गई। कुछ मेन स्थानां ते अखंड पाठ साहिब चल रहे आ, इस दे नाल ही असीं इह वी बेनती करदे आ भई अज तक श्रोमणी कमेटी ने अखंड पाठ सिंघां नूं कोई भी सहूलत नहीं दित्ती। दूसरे मुलाजमान की तरह जे असीं मैडिकल की गल करिए जां बच्चों की पढ़ाई की गल करिए सानूं कोई भी जिहड़ी सहूलत नहीं मिल रही। असीं हर एक जिन्नियां भी सहूलतां आं उन्हां तों वांझे चल रहे हैं। हुण भी जे श्रोमणी कमेटी के मुलाजम उन्हां नूं तनखावां मिलियां पर अखंड पाठ सिंघां नूं तनखावां नहीं मिलियां। जिहड़ा अखंड पाठ सिंघां दा घर परिवार का गुजारा बहुत मुश्किल आ। असीं जदों किसी दे घर जाके वेखदे आ सानूं रोणा आउंदा आ भई असीं जे कहिंदे सानूं गुरू दे वजीर आ पर सानूं गुरू दे वजीरां वाला कोई रुतबा नहीं मिलिया। साड़ी एक दिहाड़ीदारां नालों भी जिहड़ी मंदी हालत आ, असीं श्रोमणी कमेटी नूं इहो बेनती करदे आ भी अखंड पाठ सिंघां दी सार लई जावे तां जो कि आउण वाले समें विच कोई भी जिहड़े असीं साडे सिंघ आ उह कहिंदे भी असीं अपने बच्चे जिहड़े असीं अगां अखंड पाठ सिंघ नहीं बणावांगे। हालांकि दास दे बच्चे भी आ गुरसिख परिवार नाल असीं संबंधित आ, मैं खुद अखंड पाठ सिंघ आ ते असीं भी अपने बच्चे इस लाइन विच लिआउण नूं तैयार नहीं गए क्योंकि कोई माण सत्कार जिहड़ा नहीं गा। तो असीं इही बेनती वार वार बेनती कर चुके हाँ भई अखंड पाठ सिंघां सार लई जावे। इस दे नाल ही इह भी बेनती करदे भी जिहड़े अखंड पाठ सिंघां नूं पक्कियां कीता जावे। जदों दी श्रोमणी कमेटी जदों दी श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी होंद विच आई आ, अखंड पाठी सिंह एक दिहाड़ी के तौर पर दिहाड़ीदार के तौर पर ड्यूटियां कर रहे हैं। जे ये ड्यूटी चल गया तो इन्हों तनखा मिल गई, जे नहीं गए तो नहीं मिली। अज भी जोड़ा अखंड पाठी सिंह का घर परिवार गुजारा मुश्किल आ, वह बहुत मुश्किल आ। तो असं यही वार वार बेनती संगतों को बेनती करते हैं भई इन्ह श्रोमणी कम गुरद्वारा प्रबंधक असं मंग पत्र जी 7/5/2020 श्री अकाल तख्त साहब के जथेदार सिंह साहब भाई हरप्रीत सिंह उन्होंने मंग पत्र दिता जी। इस दे नाल ही श्री दरबार साहब के मैनेजर मुख्तियार सिंह जी उन्होंने दिता आ। श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के सीनियर मीत प्रधान भाई रजिंदर सिंह जी मेहता उन्होंने भी मंग पत्र दिता आ। असी वार वार अपनियां मंगा ये नहीं अज तो पहला भी असी इन्हां अगे रख चुके हैं पर साड़ी किते भी कोई सुनवाई जिहड़ी ओह नहीं हो रही जी। जे साडियां मंगा नहीं मनियां जांदियां तां समुचे अखंड पाठ सिंह संघर्ष लई मजबूर हो जाणगे अपने परिवारां समेत जिहड़े आ ओह श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी के तेजा सिंह समुंदरी हाल अगे धरना लाउण लई मजबूर हो जाणगे। जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। दास परमजीत सिंह झबाल अखंड पाठी बीड़ बाबा बुढ़ा साहब जी बेनती कर रहे हैं जी। श्रोमणी अखंड पाठी वैलफेयर सोसायटी वालों बेनती करते हैं जी, जिन्नी भी मतलब श्रोमणी कमेटी आ ये सारियां नूं जिन्ने उच्च अधिकारी आ सारियां नूं बेनती आ जी कृपा करके अखंड पाठी सिंघां दी सार लई जावे। जिस तरह हर थान जाके श्रोमणी कमेटी जी हर एक थान हर जिले के जाके बंद कर रही है। इस वक्त तो बाहर लंगर ला रही है पर दीवे थले बहुत ज़्यादा नेरा जे। मैं सारी संगत को अपील करदा हाथ जोड़ के बाहर देशों विदेशों में बैठी संगत को अपील करदा कि इस वक्त दीवे थले नेरा जे, अखंड पाठी सिंह भुखे मर रहे हैं, इन्हों की सारनी जी ली जा रही बिल्कुल भी। तो आने वाले समय के जे इस तरह ही रहा तो कोई भी वीर भरा जरा अखंड पाठी सिंह अपने बच्चों नहीं बनाऊंगा। तो मुड़ के जिते हर थान कि लोड़ पैंदी है अखंड पाठी सिंह कोई भी अपना कार्य करते हैं पहला अखंड पाठी सिंह की लोड़ पैंदी है ग्रंथी सिंह की लोड़ पैंदी है तो वह आके ताडे सारे कार्य करता वा। इस करके अखंड पाठी सिंह का जिहड़ा रोल है वह बहुत वड्डा वड्डा कौम की रीढ़ की हड्डी आ। इस करके श्रोमणी कमेटी को बेनती आ जी, बहुत भाई गोबिंद सिंह लौंगोवाल को हाथ जोड़ के बेनती आ जी अखंड पाठी सिंह की सार बहुत जल्दी ली जाए नहीं तो बहुत मंदी हाल होगी जी। वाहेगुरू जी का खालसा।